जो दृश्य हम लोग अभी यहाँ देखे हैं और जो दृश्य दिल्ली के लोग देख रहे हैं एमसीडी के सदन में, मैं समझता हूं कोई भी किसी भी सदन में ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं कर सकता, न तो देखना चाहता है। कल मैं भी वोटिंग में शामिल था, महापौर के चुनाव में भी और उप महापौर के चुनाव में भी, बड़ी शांति से चुनाव हुए। लेकिन जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और जो दृश्य आज पूरा देश देख रहा है वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। और ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। मैं आज के विषय पे आने के पहले एक दो चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब से आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा में आए हैं, आपने राज्यसभा की तस्वीर याद करिए, राज्यसभा में ये जिस तरह का नंगापन, जिस तरह का गुंडागर्दी करते हैं वो काफी समय से आम आदमी पार्टी का, उनके कई नेताओं का एक चरित्र बनता जा रहा है और बन चुका है। पंजाब में इनकी सरकार है, वहां भी इनका चाल चरित्र देख लीजिए, सड़कों पे दिन दहाड़े औरतों को तलवारों से काट दिया जा रहा है, ऐसा ऐसा दृश्य। और ये कुछ नहीं करते क्योंकि ये हिंसा को समर्थन देते हैं। आज वही दृश्य एमसीडी के अंदर दिखा है। एमसीडी के अंदर जो दृश्य है मारपीट का, ये मेयर के चुनाव में क्यों नहीं हुआ, ये डिप्टी मेयर के चुनाव में क्यों नहीं हुआ, और जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा था तो क्यों हो गया? इसके मूल में हम प्रेस मीडिया के थ्रू दिल्ली को बताना चाहते हैं, ये मोबाइल के यूज, मोबाइल साथ में लेकर ना जाने की प्रक्रिया को तोड़ने के कारण हुआ। पहले ही ये नियम हो गया था, नेता सदन है उनके, उन्हीं के, और उन्होंने नियम बनाया कि वोटिंग के समय कोई भी मोबाइल और पेन लेकर के नहीं जाएगा। हमने उसका, क्योंकि पेन में भी कैमरा हो सकता है, तो जो वोटिंग की निष्पक्षता, वोटिंग की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, ये बहुत अच्छा है। और इसी के तहत बिना मोबाइल बिना पेन मेयर की वोटिंग हुई, अच्छे से वोटिंग हो गई। तमाम बातें चल रही थी कौन किसको वोट दे देगा, कई लोग क्रॉस वोटिंग शब्द का प्रयोग कर रहे थे। अब ऐसे में निश्चित रूप से जब कोई वोट देने जाते हैं तो अपना साक्ष्य बना सकता है कि देखो ये मोबाइल में मैंने वोटिंग किया और बता दिया कि देखिए हमने वोट किया। हम चाहते थे कि इस तरह की बिल्कुल बातें ना हो, जिसको अपने हम अंतर मन की बात करते हैं, हम तो खुल के वोट मांग रहे थे मेयर के लिए। हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है फिर भी ये वोट मांग रहे थे। आप सभी से मांगी, मीडिया से बात होती कि हम यही कहते थे। हाँ, किसी को साक्ष्य बनाने न दिया जाए, किसी को गोपनीयता को भंग करने दिया जाए, इसमें कोई खरीद फरोख्त की बात न आए, इसलिए हमने मोबाइल को न ले जाने का उनका प्रस्ताव मान लिया और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया। जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है तब आपको जान के आश्चर्य होगा कि चुनी हुई महापौर ने कहा कि नहीं आप मोबाइल ले जा सकते हैं इस चुनाव, और इसी बात का भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया। सिंपल सी बात है कि जब चुनाव में मोबाइल या पेन हर तरह का कोई सब कुछ बैन है तो आप स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के चुनाव में इसको क्यों लागू की? और विरोध करने के बावजूद भी कराते जा रहे थे, लगभग 40 के आसपास वोटिंग हो गई। ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इसका वेल में आकर के विरोध करना शुरू किया, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वेल में आकर के विरोध करना, और जब वहां आते हैं अटैक कर देना, थप्पड़ मारना, आपके सामने आपके लिए
वीडियो चल रहा है। यमुना बिहार का वो पास्टर प्रमोद गुप्ता एक बहुत ही अच्छे चरित्र और बड़ा अच्छे चाल चलन के लिए जाना जाता है वो व्यक्ति, और जिसने मारा है और जो लोग अटैक कर रहे थे उनका भी चाल चलन चरित्र अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में आज इस पर विचार करना ही होगा सबको कि जब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मोबाइल या पेन या किसी तरह कैमरा ले जाने की संभावना उसको बैन किया जाता है तो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में क्यों उसको किया गया, और जब इसका विरोध हुआ तो उसके बाद आप थप्पड़ मार रहे, आप अटैक कर रहे हैं। और ये हम तो कह रहे हैं कि ये इरादा दिखा दिया था मनीष सिसोदिया ने दोपहर में ही मेयर चुनाव जीतने के बाद, उनका ट्वीट देखिए, मैं पहली बार हैरत में हूं कि जो जीत रहा है वो गाली दे रहा है हारने वाले को। हारने वाला अगर इरिटेट होता है, हारने वाला कुछ कहता है तो समझ में आती है बात, जीतने वाला इरिटेट हो रहा, जीतने वाला हारने वाले को गुंडागर्दी की शुरुआत वहां से करते हैं। इट मींस कि उन्होंने प्लान कर लिया था कि आज हमें गुंडागर्दी करनी है, और उनके लोगों ने, मुझे जो जानकारी है हमारा नंबर 113 के आसपास है लेकिन हमें 116 वोट मिले, मोबाइल का प्रयोग नहीं, कोई कैमरा नहीं, जिनको जिसको वोट देना था दिया, और उनके लोगों ने उनको वोट नहीं दिया क्योंकि कायदे से उनका 151 बनता है, तो हमें 3 कैसे मिले, कौन दिए, इसका मतलब कि आपके तरफ से कुछ लोग आपको नहीं वोट देना चाहते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, आपके नीति के विरोधी हैं, आपके नियत के विरोधी हैं, आप ही के लोग जो आम आदमी पार्टी के पार्षद है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में मोबाइल नहीं होना चाहिए, यह हमारा कल भी विरोध था, आज भी विरोध है, कल भी विरोध रहेगा कि जिस प्रक्रिया से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ है उसी प्रक्रिया से चुनाव होंगे। तो क्या डर है, आप सबको एक जानकारी हम दे दें, आगे प्रवेश जी बहुत कुछ बताएंगे क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में तो नंबर्स भी उनके पास परफेक्ट नहीं है, वो इस चुनाव में हार के डर से इस तरह का हिंसा किए हैं, और हम ऐसी हिंसा का विरोध करते हैं। हम दिल्ली के लोगों के सामने प्रेस मीडिया के मार्फत हम ये कहना चाहते हैं कि हम ना तो हिंसा करते हैं और ना तो हिंसा करने देंगे ना बर्दाश्त करेंगे, ना तो हम गुंडागर्दी करते हैं ना गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे। ये देश ये व्यवस्था कानून से चलती है और ऐसे लोगों को सजा हो हम इसकी आवाज भी उठाते हैं और इसके लिए हम आगे भी जा रहे हैं। बाकी और भी सारी बातें हैं जो आपसे प्रवेश जी शेयर करें। इम्पोर्टेंट बात ये है कि लीगल भी आपके मोबाइल आपके पॉकेट में हो लेकिन आप मोबाइल का यूज नहीं कर सकते, और उन्होंने मोबाइल का प्रयोग किया, फोटो खींचा भेजा, तो वहां लीगली भी वो गलत है। और जो व्यवस्था दी जाती है, कई बार क्या होता है सदन एक व्यवस्था देता है तो जो व्यवस्था दिया जाता है वो उस दौरान चुनाव के लिए होता है उसको भी तोड़ा गया। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो रिलीज किया है उसमें आपकी काउंसलर है रेखा गुप्ता, वो पोडियम पर आई हुई दिखाई दे रही है, एक काउंसलर है आपके अमित नागपाल वो बैलेट पेपर फाड़ते दिख रहे हैं, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी आम आदमी पार्टी का? नहीं, वो सारी चीजें देखी जाए लेकिन थप्पड़ मारना अटैक करना इसको आप कहां तक जायज ठहराए, ये सारी चीजें फोरम में है और सारी चीजों को देखने के बाद जो मूल निर्णय लेना है वो है। और अब मूल बात यह है कि अब ये चुनाव फिर से हो ताकि जिस तरह से दो चुनाव हो उस तरह से